रिड्यूसिंग एजेंट है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। और क्या है, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, ठीक है ना, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, H2Ni मेनली इसको यूज करेंगे, अदरवाइज तो बहुत सारे हैं। निकल है तो Ni2B भी आएगा, निकल बोराइड, निकल है तो निकल बोराइड भी आएगा, और निकल है तो रने निकल भी आएगा। प्लेटिनम, उसका निकल प्लेटिनम पैलेडियम होता है ना, प्लेटिनम है तो Pt तो आएगा ही, साथ में एक और आएगा PtO2, जिसको हम बोलते हैं एडम्स कैटलिस्ट, जिसको हम बोलते हैं एडम्स कैटलिस्ट, तो ये भी आ सकता है। और पैलेडियम भी, निकल प्लेटिनम पैलेडियम तीनों आ सकते हैं। बस ध्यान रखना, निकल जो है इसका ज्यादा क्वांटिटी चाहिए होता है, निकल ह्यूज अमाउंट में चाहिए होता है। अगर बोलेगा तीनों में इसको प्रेफर करेंगे, निकल प्लेटिनम और पैलेडियम के अंदर निकल का ह्यूज अमाउंट चाहिए होता है, निकल का चाहिए होता है ह्यूज अमाउंट। कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन, प्लेटिनम सबको पता है कॉस्टली होता है, और पैलेडियम जो है इसके लिए बेस्ट मानते हैं तीनों, नहीं पैलेडियम को बेस्ट मानते हैं। निकल आया तो निकल के साथ निकल बोराइड जरूर आएगा, जिसको P2 कैटलिस्ट भी कहते हैं, ये भी यूज करें, मतलब H2 के साथ यूज हो रहे हैं सारे ये, निकल उठता है तो निकल बोराइड, निकल बोराइड या फिर रेने निकल, निकल के तीन फॉर्म याद रख सकते हो तुम डायरेक्ट, कोई भी होता है इनमें से। और रेने निकल के साथ H2 की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि H2 उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। रेने निकल है ना, फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में होता है, फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में होता है, सर्फेस एरिया ज्यादा होता है तो H2 गैस को ज्यादा डिजॉल्व कर लेता है। जिस प्रोसेस से रेने निकल प्रिपेयर होता है, उस प्रोसेस के अंदर H2 गैस ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रही होती है, तो इसलिए वो H2 गैस इसके सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाती है। तो ये तो मैं ध्यान रखना के अंदर। और पीडी है, मैं प्लेटिनम के साथ क्या आएगा, PtO2। पीडी है तो PdC तक यूज होता है, पैलेडियम कार्बन के साथ यूज होता है, और पीटी है तो याद रख लेंगे PtO2, PtO2 ये भी यूज होता है ना, ये भी यूज होता है। इसके अलावा नाम तो रूथीनियम भी है, रोडियम भी है, ये भी यूज करते हैं, रुथिनियम रोडियम ये भी यूज होते हैं, लेकिन ज्यादा तुम्हें देखने को मिलेगा निकल प्लेटिनम और पैलेडियम, निकल प्लेटिनम और पैलेडियम यही देखने को मिलेगा, सही ना। और इसके साथ रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर करना चाहो तो रिएक्टिविटी ऑर्डर कर लेना RCOCl H2Ni के साथ, ध्यान रखना H2Ni के साथ रिएक्टिविटी ऑर्डर, RCOCl मोस्ट रिएक्टिव है, RCOCl के बाद CH ट्रिपल बॉन्ड, RC ट्रिपल बॉन्ड C, मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला, क्योंकि H2 का लीनियर अटैक होता है, अभी तुम्हें मैकेनिज्म पता लगेगा, सरफेस फेनोमेना वाला मैकेनिज्म है इसका, एडसॉर्प्शन फेनोमेना वाला मैकेनिज्म है, अभी समझाऊंगा तो उससे और क्लियर हो जाएगा। फिर ये अटैक करेगा और उसके बाद आ जाएगा, इसके बाद आएगा RCHO एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद आएगा डबल बॉन्ड, एल्डिहाइड के बाद डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा, और ये जो सब रिएक्ट कर रहे हैं ये 10 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रिएक्शन हो जाती है, मतलब रूम टेम्परेचर के आसपास में रिएक्शन हो जाती है चारों के साथ। और उसके बाद रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसके बाद रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जैसे अभी मैंने लिया डबल बॉन्ड लिया, अब कीटोन आ सकता है, कीटोन हिंडर्ड होता है दोनों तरफ से, और H2 का अटैक लीनियर होता है, इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर CN आ जाता है, CN के बाद आ जाता है NO2 आ जाता है, ये रिएक्ट कर देते हैं 30 से 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और तुम चेक करोगे बेंजीन को रिड्यूस वैसे नॉर्मल कंडीशन में नहीं कर पाता, ये वैसे नहीं कर पाता है, लेकिन अगर तुम रिड्यूस करोगे इसको तो टेम्परेचर थोड़ा हाई करना पड़ेगा, लगभग 100 से 150 डिग्री सेल्सियस तो साइक्लोहेक्सेन मिलता है। लेकिन अगर इसके ऊपर कोई रिड्यूसिंग ग्रुप प्रेजेंट है जो रिड्यूस हो सकता है, अगर इसके ऊपर कोई रिड्यूसिंग ग्रुप प्रेजेंट है जो रिड्यूस हो सकता है, जैसे CHO, तब बेंजीन रिंग को रिड्यूस मत करना, सिर्फ CHO का CH2OH बना देना। क्या लाइन मेरी समझ आ गई, क्या बोला मैंने, समझ आ गया कि नहीं है, यस सर, ये ध्यान रखना, अगर ऊपर कोई रिड्यूसिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो बेंजीन को रिड्यूस मत करना, तब सिर्फ ऊपर जो ग्रुप है उसको रिड्यूस कर देना। चलो अभी ये तुम्हें समझ आ गया, जैसे ऊपर अगर मैंने मान लो मिथाइल ग्रुप दिया होता तो मिथाइल ग्रुप तो रिड्यूस होगा नहीं, तो तुम इसको रिड्यूस कर दोगे रिंग को, तब रिड्यूस कर सकते हो उसको, अदरवाइज नहीं होगा, और हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है उसको, सही ना, उसके लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है। तो अब हाइड्रोजनेशन का मैकेनिज्म थ्योरी थोड़ी सी मैंने बता दी इसकी, अब इसका मैकेनिज्म जो, एक एक लाइन तुम दोबारा मन में बोलिया करो जरूर, ताकि तुम्हें याद रहे इसके बारे में मैंने क्या बोला है। अब इसका मैकेनिज्म जो है, अब देखो तो अगर मेरे को मान लो H2 ऐड करना है किसी रिएक्शन में, मान लो ये सिंपल सी रिएक्शन है, मैंने इसमें H2 ऐड करना है, क्या वो H2 पिछला ऐड हो वाला जाएगा पेज इसके अंदर, सब नोट रह क्या गया था बोलते, लास्ट का। सही, वो पिछला वाला पेज फिर से देखना दिखा दो, लास्ट से नोट नहीं कर पाया। बाकी किसी ने भी नोट करना है क्या, यस
हो गया सर। चलिए चलो देखेंगे। अब ध्यान सुनना, बिल्कुल इसका मैकेनिज्म, थ्योरिटिकल मैकेनिज्म है, ध्यान सुनना। पहले तो मैंने तुम्हें अभी लिख के दिया, क्या अगर मेरे को H2 को ऐड करना है, सपोज मेरे को H2 को ऐड करना है, तो क्या मैं H2 इस पे ऐड कर पाऊंगा कि नहीं, इसे क्या इथीन और H2 क्या बनेगा, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। गर्व नहीं होगी ना, रिएक्शन एक्टिवेशन से ज्यादा नहीं होगी इसमें, हाँ सर, एक्टिवेशन जी वेरी हाई। रीजन, एच एच बॉन्ड क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, एच एच बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, तो एक्टिवेशन जी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, वो हाई एक्टिवेशन जी विल रिक्वायर्ड, सही ना। और अब अगर मैंने इसके अंदर साथ में निकल डाल दिया, या प्लेटिनम या पैलेडियम या रूथीनियम या रोडियम, बहुत सारा लिखा है मैंने, PTO2, PDC, निकल बोराइड, रेने निकल, कोई भी डाल दिया, तो क्या होगा, तब ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है बहुत हद तक कम हो जाएगी इस तरीके से। अब रिड्यूस हो जाएगा कि नहीं, पहले तो यस बॉन्ड तोड़ने के लिए, मान लो जो टेम्परेचर दे रहे थे वो था सपोज 2000 केल्विन का, तब जाके H2 ऐड हो रहा था, और अब वो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, बहुत ही कम। मैंने बोला ना 30 डिग्री सेल्सियस पे भी रिएक्शन हो रही है, तो इसलिए ये एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है निकल जो है। कैसे कम करता है, उसी चीज को चेक करना, कैसे कम करता है उसी चीज को चेक करना। क्या यहां तक समझ आ गया है? जैसे निकल है मेटल, या फिर प्लेटिनम है, या पैलेडियम है, इनके सरफेस पे क्या होते हैं, वॉइड्स होते हैं, बहुत सारे इनके सरफेस पे क्या होते हैं, वॉइड्स होते हैं, और उन वॉइड्स पर जाकर, उस उन वॉइड्स के ऊपर जाकर, उन होल्स पे जाकर के जो H2 गैस है वो एड्सॉर्ब हो जाती है। इनके सरफेस पे H2 गैस जाके क्या हो जाती है, एड्सॉर्ब हो जाती है, और H2 गैस जब एड्सॉर्ब हो जाती है तो HH बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, तो एच एच बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो इथीन के मॉलिक्यूल्स को अगर हम पास कराएंगे अब निकल के सरफेस से, जहां पे H2 गैस प्रेजेंट है, तो वो उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, H2 गैस के जो इथीन के पाई बॉन्ड्स है वो वीक होते जाएंगे, पाई बॉन्ड पे अटैक होता है, ध्यान रखना, एडिशन हेयर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विल टेक प्लेस टू पाई बॉन्ड्स ऑफ कंपाउंड लाइक इथीन, इथाइन, एल्डिहाइड, कीटोन, इस टाइप से। पाई बॉन्ड्स का के ऊपर एडिशन होता है H2 गैस का, पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स पे H2 गैस अटैक करता है, और वाया एडसॉर्प्शन मैकेनिज्म है, एडसॉर्प्शन के थ्रू, जैसे ये निकल का सरफेस है, सब कुछ थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इसको, ये निकल का सरफेस है, ये निकल का सरफेस है, और ऊपर वॉइड्स हैं, H2 गैस आई इसके सरफेस पे, सरफेस से तुम्हें पढ़ रखा है सरफेस केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत, जिसने H2 गैस आएगी, बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग, ये इसके सरफेस पे एड्सॉर्ब होगी, इस तरीके से होगा कुछ, ये इसके सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाएगी, तो ये एच एच ऐसे, मैं एक मॉलिक्यूल दिखा रहा हूं यहाँ पे, ऐसे लाखों मॉलिक्यूल्स होंगे, मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे H2 के, जो एड्सॉर्ब होंगे निकल के सरफेस पे, ये निकल है, ये अब इथीन के मॉलिक्यूल्स जब पास करेंगे इसके सरफेस से, इथीन के मॉलिक्यूल्स जब पास करेंगे इसके सरफेस से, ये H2 जो एड्सॉर्ब है, ये इथीन सी डबल बॉन्ड सी पाई बॉन्ड पे अटैक होगा इसके, और जो इसके एच हैं वो आगे पीछे होंगे इस तरीके से, ये एच आगे और पीछे रहेंगे इसमें, ये एच था इसका, ये थोड़ा पीछे हो जाएगा, ये इसका एच है, ये हल्का सा पुश होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड बना रहा है, ये पाई बॉन्ड इसका वीक हो रहा है, देखो पाई बॉन्ड ये वीक हो रहा है, और ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ इधर बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन इस हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तुम चाहो तो एक स्टेप और दिखा सकते हो, इसके थ्रू दिखाना, ये बॉन्ड यहाँ पे वीक हुआ इसका, ये एच एच का बॉन्ड वीक हो रहा है, ये इथीन के मॉलिक्यूल जा रहे हैं इसके सरफेस से, एच एच, ये इसका पाई बॉन्ड, ये सरफेस पे गया, अगला स्टेप ये दिखाना ट्रांजिशन स्टेट वाला, ये दिखाना इसमें एच एच का बॉन्ड वीक हो रहा है, और ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा, पाई बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड बनने लग गया, जब बॉन्ड यहाँ पे बनेगा तो ये भी थोड़ा पुश हो जाएगा, ये भी थोड़ा पुश हो जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, ये भी हल्का सा ऊपर चला जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा, और ये टेट्राहेड्रल टाइप का शेप आएगा, टेट्राहेड्रल शेप आ रहा है ना यहाँ पे, एच है यहाँ पे, एच यहाँ पे भी है, और फाइनली क्या होगा, अब जो इथेन के मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग हो जाएंगे, इसके बाद जो अगला स्टेप होगा उसमें इथेन का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, सी एच एच
एच सिंगल बॉन्ड, एच एच इथेन। क्या समझ आया? मगर नहीं समझ आ गया इसका कि नहीं? यस सर, बहुत ध्यान समझने की कोशिश करना, डायग्राम को खुद बनाने की कोशिश करना। ये निकल का सरफेस था, यहाँ पे निकल का सरफेस था। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ जो मैंने बनाया है, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पे शो किया है, ये वाली चीज यहाँ पे। अगर बता कितने मेंबर की रिंग बनी है, कितने मेंबर चार। की साइक्लिक ट्रांजिशन। बहुत अच्छे, फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है। फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी है यहाँ पे, ये दिख रहा है तुम्हें, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और जो एच टू का अटैक हुआ है, लीनियर हुआ है कि नहीं? यस सर, लीनियर अटैक हुआ ना, तो इसको क्या बोलते हैं, सिन एडिशन की एंटी एडिशन बोलेंगे। सिन सिन एडिशन। सिन एडिशन होता है एच टू गैस का, इसीलिए सिन एडिशन होगा, है ना। आगे बताऊंगा, बी आर टू सी सी एल फोर उसमें बनता है हमारा, उसमें क्या होता है, उसमें होता है एंटी एडिशन, वो आगे बताएंगे। यहाँ पे सिन एडिशन हुआ, यहाँ पे सिन एडिशन हुआ, तो पॉइंट्स नोट कर लेंगे। पहले तो ये एडजॉर्प्शन फेनोमेना है, एडजॉर्प्शन फेनोमेना कह लो, या ये सरफेस फेनोमेना है, एक ही बात है। ये दोनों वर्ड है ना, ऑब्जेक्टिव में कैसे भी आता है, ये एडजॉर्प्शन फेनोमेना है या सरफेस फेनोमेना है। सिन एडिशन है इसके अंदर, सिन एडिशन है यानी एल्कीन जैसा था, अगर सिस फॉर्म में था तो सिस फॉर्म में ही रहेगा, ट्रांस फॉर्म में था तो ट्रांस फॉर्म में ही रहेगा। और थर्ड, फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म, फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट अब बताओ, उसमें रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन या रेट ऑफ रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगा? स्टेट लीनियर अटैक हो रहा है, क्राउडिंग सीरी क्राउडिंग पर डिपेंड करेगा कि नहीं? सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, सीरी क्राउडिंग पे कि नहीं? यस सर। इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग, पूरा लिखना तुम लोग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग रहेगा। और अगर स्टेरिक क्राउडिंग सेम है, और अगर स्टेरिक क्राउडिंग सेम है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान रखना, लिख देना ढंग से, इफ स्टेरिक क्राउडिंग इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर, स्टेरिक क्राउडिंग अगर सेम है तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है बहुत कम केसेस में, ये ध्यान देना, फिर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पर डिपेंड करेगा। क्या ये बात समझ आ गई? क्या ये समझ आ गया? यस तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पर डिपेंड करेगा, है ना, तो डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो इंपॉर्टेंट चीज है, भूलना नहीं बिल्कुल भी इसको, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पर डिपेंड करेगा, अगर इफ सेम स्टेरिक क्राउडिंग इज देयर, देन चेक स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, देन चेक स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। और ये होमोजेनस कैटालिसिस था कि हेटरोजेनस कैटालिसिस था? सर, बोलो, हेटरोजेनस। बिल्कुल सही है। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो फेज है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो फेज है, कैटलिस्ट का फेज उससे डिफरेंट है। जैसे ये देखो, इथीन प्लस एच टू, निकल डाला, प्लेटिनम डाला, पैलेडियम डाला, सब सॉलिड फॉर्म में, रिएक्टेंट्स गैस, प्रोडक्ट गैस। लेकिन कैटलिस्ट क्या है, इसका फेज क्या है, डिफरेंट है, ये सॉलिड फॉर्म में, तो इसे बोलते हैं हेटरोजेनस कैटलिसिस। हेट्रोजन, और अभी तक मैंने जितने बताए हैं सब क्या थे, हेट्रोजेनस थे, होमोजेनस थे, है हेट्रोजेनस थे, होमोजेनस थे। हाँ सारे के सारे हेट्रोजेनस है ना, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल बोराइड, सब सॉलिड फॉर्म में है ना, तो सब क्या है, हेट्रोजेनस कैटालिसिस है कि नहीं? ये नहीं समझ आया? यस सर, हेटरोजीनस है ये, ध्यान रखना, जो भी उन्हें पढ़ाई।
और होमोजेनस का एक केस मैंने क्वाड्रेशन कंपाउंड में बताया हुआ है, क्या किसी को याद है? बिल्कुल लास्ट में एप्लीकेशन में बताया था मैंने, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेशन कंपाउंड्स और एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेट्रिक्स के अंदर कौन सा कैटलिस्ट था वो, और पूछा हुआ है मेंस के अंदर होमोजेनस कैटलिसिस जो सर वो हाइड्रोजनेशन में यूज विल होता है कौन सा था? सर विल्किंसन्स हाँ कौन कैटलिस्ट, सा? हाँ बिल्कुल सही है, गर्व को याद था और किसी ने बोल भी बोला पीछे से, हाँ सर मैंने बोला था। विल्किंसन्स कैट, ये पूछा हुआ मीन्स में विल्किंसन्स कैटलिस्ट, ये होमोजेनस कैटलिस्ट होता है, याद आ गया कि नहीं है? विल्किंसन्स कैटलिस्ट ये होमोजेनस कैटलिस्ट था, और एक था एक और जिगलर नाटा भी था याद है ना, हेटरोजेनस में काउंट करते हैं उसको भी। अब विल्किंसन्स कैटलिस्ट का फॉर्मूला याद है किसी को? ये भी पूछा हुआ मेंस में और नीट में भी, विल्किंसन्स कैटलिस्ट का फॉर्मूला। RHCCl2 था शायद कुछ ऐसे। नहीं, RHCl PPS3 होल थ्राइस क्लोरीडो ट्रेस ट्राइफिनाइल फॉस्फेन रोडियम फर्स्ट, याद आ गया? विल्किंसन्स कैटलिस्ट तो ये पता होना चाहिए, ये इसी के साथ करते हैं गुलानिन को भी, ये भी हाइड्रोजनेशन करता है लेकिन ये होमोजेनस कैटलिस्ट, ये भी हाइड्रोजनेशन करता है लेकिन होमोजेनस कैटलिस्ट है। अब बताओ किसको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, ये बताना है, होमोजेनस कैटलिस्ट को हाइड्रोजनस कैटलिस्ट को किसको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं? हेट्रोजेनस बिल्कुल सही है, कैन बी इजिली सेपरेटेड, फेज डिफरेंट तो कर लेंगे ना, मिक्स ही नहीं हो पाएगा आसानी से, कैन बी इजिली सेपरेटेड, कांट बी सेपरेटेड, कांट बी इजिली सेपरेटेड। अब अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें अभी यूज कर रहा है, जो तुम्हें अभी यूज कर रहा है, किसको हम आसानी से पॉइजन कर सकते हैं? हेट्रोजेनस हेट्रोजीनियस कैन बी इजिली पॉइजन, इसको तो तुम याद ही रखते हो, कौन सा भी पढ़ेंगे हम? लेनला लिस्ट लिंडार्ट कैटलिस्ट, H2 पैलेडियम है, इसको आसानी से पॉइजन करते हैं सल्फर के साथ या उसके कंपाउंड के साथ, H2PDBSO4 सल्फर बॉलिंग ज़ाइलीन के अंदर, याद आ गया कि नहीं है? H2PDBSO4 सल्फर या H2PDCaCO3 और सल्फर, याद है ना पूरा ये? यस सर। तो ये रखता है, इसको हम आसानी से पॉइजन कर सकते हैं, और हम होमोजेनस कैटलिस्ट को आसानी से, क्योंकि वो पहले से घुल उसके अंदर मिक्स हुआ पड़ा प्रॉपर तरीके से, तो हम उसको आसानी से पॉइजन नहीं कर सकते, है ना? उसको हम आसानी से पॉइजन नहीं कर सकते। क्या यहाँ तक थ्योरी समझ आ गई पूरी इसकी? गर्व क्वेश्चन यस सर। नोट करेंगे, क्वेश्चन नोट करने इसके, और कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में जाओगे उसके रेक्टिविटी ऑर्डर भी बताना, सही ना? क्वेश्चन नोट करने और रेक्टिविटी ऑर्डर भी बताना अगर पॉसिबल हो तो। इथीन है, इसमें डाला H2 निकल से, तुम आसानी से कर लोगे, तुम एक काम करो D2, चलो H2 भी कर ही लो क्योंकि वो कोर्स में तुम्हारे H2 ही है ना, H2 निकल, D2 या T2 निकल कर ले, प्रोपीन है, H2 निकल, D2 निकल, सीरो आइसमर जरूर बताने अगर पॉसिबल होंगे किसी में भी, सीरो आइसमर जरूर बताने अगर किसी में पॉसिबल है तो, ब्यूटीन है, H2 निकल, D2 निकल, उसके बाद ले लेते हैं, चलो ये ले लो, H2 निकल, D2 निकल, इंपॉर्टेंट, H2 निकल, D2 निकल, H2 निकल, D2 निकल, और इसके बाद ना जैसे मैंने ये दिया सिस ब्यूटीन ट्रांस ब्यूटीन, क्या ले लोगे अगला? ट्रांस पेंटटूइन, सिस पेंटटूइन, ये भी करना है ये भी करना है, क्या क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं सारे? यस इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करना है, स्टार्टिंग के 6 को, स्टार्टिंग के 6 को किसमें अरेंज करना है?
स्टार्टिंग के 6 में 6 को किसमें अरेंज करना है? रिएक्टिविटी ऑर्डर स्टार्टिंग के 6 को रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करना है, बहुत सोच समझ के करना। और स्टीरियो आइसोमर्स जरूर बताने तुम्हें, मतलब टोटल आइसोमर्स बताने एक तरह से, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स है, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। गर्म हो गए, चलो यस देखेंगे आंसर एक बार। बाकी बच्चे भी थोड़ा सा स्पीड अप करना चाहिए, ये अच्छे क्वेश्चन हैं, ट्राई जरूर करना।
अगर ट्राई नहीं कर रहे हो ना, 1% भी फायदा नहीं होगा फिर। टाइम तो भी तुम्हें इसीलिए दे रहा हूँ, क्वेश्चन देखे छोड़ सकता था ये। चलो एक बार देखेंगे इसको। फर्स्ट वाले में आंसर इथेन आ जाएगा इसमें, दूसरे में भी दो जगह ड्यूटेरियम लग जाएगा, डी डी लीनियर अटैक होगा। अगले आंसर बोल कर अगले का जल्दी से। प्रोपेन, और उससे नीचे वाले में वो कायरल सेंटर वाला आएगा, हाँ तो दो हो जाएंगे। दो हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। देखो इस वाले में तो प्रोपेन आ गया, इस वाले में ऊपर से भी अटैक हो सकता है और नीचे से भी अटैक हो सकता है, होगा लीनियर अटैक। कायरल सेंटर जनरेट हुआ तो इसलिए ये मैंने बिलो अटैक किया है D2 का, यहाँ से अटैक कराया ऐसे ऐसे। ऊपर से भी अटैक हो सकता था, ऊपर से अटैक हो सकता था, तो इसलिए मिरर इमेज मिलेगी इसकी। कायरल सेंटर जनरेट हुआ ना इसमें तो मिरर इमेज मिलेगी, तो इसलिए आंसर ये प्लस माइनस होगा, दो आंसर मिलेंगे, प्लस माइनस होगा दो आंसर मिलेंगे। किसी और ने गलत था ये आंसर? यस सर, गर्व गर्वमंगला का सही है और गर्व सिंगल का, और किसी का सही नहीं हुआ ये। चलो कुछ नहीं, देखो उधर आंसर निकाल आना चाहिए, यही क्वेश्चन आने हैं पेपर में इसी टाइप के। प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि देखते पहचान लो तुम। हाँ कार्य सेंटर जनरेट हुआ कि नहीं, कार्य सेंटर नहीं भी जनरेट हुआ तो भी हो सकता है कि ऑप्टिकली नेगेटिव हो, कार्य सेंटर जनरेट हो गया तो भी हो सकता है कि ऑप्टिकली नेगेटिव हो, मीजो मीजो टाइप का। नेक्स्ट वाले में भी आंसर क्या आएगा? पहले में ब्यूटेन, दूसरे में सर वो कायरल सेंट दो देंगे। दो हो जाएंगे। कार्य सेंटर जनरेट होगा इसके अंदर C2H5, CHD, ऊपर से अटैक हुआ CH2D, दोनों लीनियर अटैक होगा, या तो ऊपर से या नीचे से। कार्य सेंटर जनरेट होगा इससे, इसकी मिरर इमेज भी मिलेगी, प्लस इसकी मिरर इमेज, यानी प्लस इसकी मिरर इमेज। नेक्स्ट वाले में सर नेक्स्ट वाले में मतलब कायरल सेंट जनरेट नहीं होगा, बहुत दोनों अच्छे, में बिल्कुल, ये तो नॉर्मल। आइसोब्यूटेन। हाँ बिल्कुल सही है, आइसोब्यूटेन आएगा, और इसमें कोई कार्य सेंटर नहीं है, ध्यान रखना चीज का। ये भी डी, ये भी डी, दोनों मिथाइल है ना, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, कोई कार्य सेंटर जनरेट नहीं हुआ, तो ये एक ही आंसर है दोनों, ये दोनों एक ही आंसर है। नेक्स्ट वाले में, सर नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट दो, एक तो ब्यूटेन हो गया, और फिर उसके बाद कायरल सेंटर जनरेट होगा, लेकिन एक ही प्रोडक्ट होगा। हाँ ध्यान रखना, इसमें तो ब्यूटेन आंसर है ही, इसमें तो सोचना ही नहीं है, लेकिन इस वाले केस में एमी एमी सिन एडिशन है, सिन एडिशन मतलब सिस था तो सिस वाला ही मिलेगा, HD और HD, इस ये तो मीजो है, ये मीजो है ना, तो कोई भी मिरर में नहीं मिलेगी, ये एक ही कंपाउंड मिलेगा, मीजो कंपाउंड, मीजो कहते हैं, या दूसरा नाम क्या था इसका, ये एरिथ्रो है कि थ्रियो है? सर एरिथ्रो, याद है ना, टोज वर्ड से याद कराया था, थ्रियो ऑपोजिट एरिथ्रो सेम, क्या याद आ गया? यस सर, तो यहाँ पे ये मिलेगा और साथ में इसकी मिरर में, सॉरी मिरर में नहीं मिलेगी, ये मीजो है, मीजो कह लो उसको, या एरिथ्रो, ERYTHRO, ERYTHRO, एरिथ्रो। और उससे नेक्स्ट में भी ब्यूटेन तो आएगा ही आएगा, साथ में क्या आएगा, तो साथ में साथ क्या आ में जाएगा दो इसमें? आएंगे, तो डी हाँ वाले इसमें में दो दो आएंगे, आएंगे। हाँ D वाले में दो, HD, ये ऑपोजिट थे ना दोनों मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, दोनों ऑपोजिट थे, ऑपोजिट से तो ऑपोजिट ही रहेंगे ग्रुप्स, दोनों एच ऑपोजिट थे यहाँ पे, इसका एच यहाँ था, इसका एच यहाँ था, दोनों ऑपोजिट है तो ऑपोजिट ही रहेंगे। सिन एडिशन मतलब ये होता है कि जैसा है वैसा ही रहेगा, ना जैसा है वैसा ही अटैक होगा। ये आ गया, अब इसमें कोई मीजो नहीं है, कोई मीजो नहीं है, इसलिए इसकी मिरर इमेज भी मिलेगी, तो ये दो होंगे, ये दो होंगे, सही है ना। अब मैंने तुम्हें छह कंपाउंड जो दिखे, इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? 1, 2, 3, 5, 6, 4। 1, 2, 3, 5, 6, 4। देख पहले इथीन होगा, लीनर अटैक होना है, स्टेरिक क्राउडिंग चेक करनी है सिर्फ, फिर प्रोपीन होगा, फिर ब्यूटीन होगा, यही किया ना, हाँ, फिर ब्यूटीन होगा, अब उसके बाद कैसे किया? फिर सिस वाला। सिस वाले में दोनों साइड मिथाइल है, इधर भी इधर भी, है ना, इधर भी दोनों जगह मिथाइल है, तो नीचे से अटैक हो जाएगा आसानी से, अगर दोनों मिसाइल ऊपर है तो नीचे से अटैक होगा, दोनों मिसाइल नीचे तो ऊपर से अटैक होगा, ऐसे ही ना। हाँ, हाँ फिर आ गया सिस वाला, फिर फिर सर 4 और 6 में कोई वो नहीं हो रहा था, तो मैंने स्टेबिलिटी से देखा, तो फिर मैंने मतलब 4 वाला ज्यादा स्टेबल है, तो 6 वो कर दिया, फिर बिल्कुल सही सिक्स है, फिर फोर वाला फोर ज्यादा स्टेबल होता है, ध्यान है कि सबको कि नहीं, ये मैंने बताया हुआ तुम्हें, इसको इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू चेक कर लिया करो, ये इलेक्ट्रॉन इधर तो नेगेटिव, यहाँ पे प्राइमरी, यहाँ पे भी पॉजिटिव, और भी तरीके बताए थे स्टेबिलिटी के लिए,
अभी सही मान लो तुम, तो लीस्ट होगा फोर्थ वाला, बिल्कुल सही गर्व का। और किसी का सही हुआ ये? अगर मान ले इसमें थाइन भी होता तो क्या करता? थाइन होता तो उसका सबसे ज्यादा हो जाता। रीजन एक एक एच तो एक्स्ट्रा है ही ना, कुछ तो रिपल्शन देंगे ये भी। इथाइन हाँ यस सर, लीनियर, इथाइन ज्यादा रिएक्टिव होता है तो वैसे इथाइन कम रिएक्टिव होते हैं, लेकिन वो किसकी तरफ होते हैं? टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इथाइन कम रिएक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे तो लीनियर अटैक हो रहा है, सीन एडिशन हो रहा है, सिर्फ सीरी क्राउडिंग देखनी है और रेयर केस में स्टेबिलिटी देखनी है। सीरी क्राउडिंग देखनी है, रेयर केस में स्टेबिलिटी देखनी है। ये कंसेप्ट ना भूलने वाले नहीं हो सकते, सही ना? ये तुम्हें अगर पता है तो भूलने वाले नहीं होंगे। सेवन तो रेट्स में क्या आंसर आएगा? सो तो सेम ही हो जाएगा फिफ्थ सिक्स जैसा। नहीं गलत बोल रहा तू, सेवन तो रेट्स में दोनों में मिरर इमेज मिलेगी। एच टू एन आई के साथ तो पेंटेन मिल जाएगा, एच टू एन आई के साथ पेंटेन मिल जाएगा, लेकिन मिरर इमेज नहीं मिलेगी क्या इसमें? इसमें तो काइल सेंटर कैंसिल थोड़ी होगा इसमें, यहाँ पे ईटी है देख, यहाँ पे भी अच्छा ईटी है, तो हाँ सर हाँ ये ध्यान दियो इसमें। अब नीचे ईटी है ना ये पार्ट, ये ईटी है, ये भी ईटी है, तो इसमें दोनों केस में मिरर इमेज मिलेगी। प्रोडक्ट कितने मिलेंगे? दो कार सेंटर आ रहे हैं, प्रोडक्ट कितने मिलेंगे? एक सेकेंड सर, दो कार सेंटर आ रहे हैं, प्रोडक्ट कितने मिलेंगे? हाँ सर दोनों में दो मिलेंगे। हाँ दोनों में दो दो प्रोडक्ट मिलेंगे। चार मत कर देना कि दो कार सेंटर आ गए तो चार मिल जाएंगे, क्यों? क्योंकि अटैक तो इससे नहीं हो रहा ना, अटैक तो लीनियर ही हो रहा है ना। यस सर समझ आ गया कि नहीं है? तो ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अभी जो कराए हैं, अभी और भी कराने हैं मेरे को, है ना? और भी कराने हैं अभी क्वेश्चन, लेकिन अभी तुम पहले एक चीज और देखेंगे। मैंने अभी तुम्हें सीन एडिशन का मतलब बताया है, सही ना? सीन एडिशन का मतलब बताया है, ऐसे ही ना एंटी एडिशन का मतलब भी देखेंगे। जैसे ये सिस ब्यूटुइन है, ध्यान देंगे एक बार, ये था सिस ब्यूटुइन, ध्यान देंगे। और अभी थोड़ी देर के लिए रिजॉइन भी करना है, CH3CH, CH3H। तुमने अभी इसके ऊपर D2NI जब डाला, क्योंकि उसका सिन एडिशन था, तो तुम्हें दोनों एच सेम साइड है, तो दोनों एच सेम साइड रखने हैं। डी का लीनियर अटैक होगा, लीनियर अटैक होगा, इसलिए ये डी यहां से आ रहा है, ये डी यहां से आ रहा है, ऐसे अटैक करेगा, ऐसे अटैक करेगा, तो ये भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये भी थोड़ा ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, इस तरह से डी अटैच होंगे और तुम्हें क्या मिल जाएगा? ME HDH D और ME, ये मिल जाता है। लेकिन अगर मान लो इसके अंदर मैंने Br2CCl4 डाला, मैं अभी तुम्हें याद करा रहा हूँ ये Br2CCl4, ताकि तुम्हें इसका मतलब समझ आ जाए, सिन एडिशन और एंटी एडिशन का। अगर मैंने Br2CCl4 डाला इसके, इसका होता है एंटी एडिशन, इसका होता है एंटी एडिशन। अभी याद कर लो इसे, ये दो तीन ही है जो सिन और एंटी में पूछे जाते हैं ज्यादा। इसका सिन एडिशन था, लीनियर अटैक होता है ना, इसका मैकेनिज्म बताऊंगा तुम्हें पता लग जाएगा क्यों एंटी एडिशन होता है। इसका एंटी एडिशन है, यानी दोनों सेम साइड है ना, तो इनको अपोजिट कर देगा, यानी आंसर इसमें यह है ME ME HBr HBr, और साथ में इसकी मिरर इमेज, साथ में इसकी क्या आएगी? मिरर इमेज आएगी Br H HBr और ME, दो प्रूफ मिलेंगे। और अगर मैंने इसके अंदर कोल्ड केमिकल फोटो डाल दिया होता, तब क्या मिलता गर्व आंसर? सर तो सेन सेम सेम एडिशन होता है एच का। हाँ, कोल्ड के मैंने 4, या फिर OSO4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, OSO4, ME ME HOH, सिन एडिशन होता है HOH, इससे डबल बॉन्ड बन जाता है, सिंगल बॉन्ड, और OHO लगा देना दोनों कार्बन। अभी ऐसे याद रखो, मैकेनिज्म कराने मेरे को, इसमें कोई मिरर इमेज नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी मीजो फॉर्म है, इसमें प्लेनो सिमेट्री है ना, नहीं मिलेगी इसमें। और ऐसी अगर ट्रांस होता, अगर ये ट्रांस होता और मैंने Br2 डाल दिया CCl4 में, एंटी एडिशन करना है इसको, दोनों एच ऑपोजिट साइड है तो सेम साइड कर, दोनों एच ऑपोजिट साइड है तो सेम साइड कर देगा, एंटी एडिशन का मतलब ये है, सेम है तो ऑपोजिट, ऑपोजिट है तो सेम, तो इसलिए इसमें मीजो मिल जाएगा, ME HBr HBr ME, मीजो है तो कोई मिरर इमेज नहीं। और अगर मैंने इसमें D2Ni डाला होता या कोल्ड के मैंने फोटो डाल दिया होता, तो इसका सिन एडिशन होता है, कोल्ड के मैंने 4, OSO4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, दोनों डबल बॉन्ड को हटा के सिंगल बॉन्ड बना देते हैं और OHO लग जाएगा, तो इसमें मिल जाएगा ME ME HOH HOH, और साथ में लगेगी मिरर इमेज। क्या समझ आ गया?
यस सर, इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखना है इसको, ढंग से कर लेना बिल्कुल। सेन एडिशन और एंटी एडिशन का मीनिंग आगे मैं ऑर्गेनाइज कराऊंगा तो ये सब चीजें क्लियर होंगी, लेकिन याद रख लो इसको क्योंकि आगे यूज होगा बहुत जगह। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? इलेवंथ बच्चों को समझ आ गया है कि नहीं? यस सर। चलो अब एक बार आप इसको रीजॉइन करना भी, इन्हीं के क्वेश्चंस करने भी।